यूं तो विधानसभा चुनाव में हार हो या जीत, ये फैसला टिकट के वितरण पर या मतदाताओं के मूड पर निर्भर करता है। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर इस वक्त नेता किसी चीज का ध्यान रख रहे हैं तो वो है शुभ और अशुभ मुहूर्त। यही कारण है कि प्रदेश में नेता नामांकन समेत हर काम शुभ मुहूर्त से ही कर रहे हैं और इसके चलते तमाम नेता इन दिनों ज्योतिषाचार्यों के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। समर में कांग्रेस बीजेपी की फौज मैदान में उतर गई है। 30 अक्टूबर से नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वहीं नामांकन भरने की आखिरी तारीख 6 नवंबर है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस के साथ ही तमाम दलों के घोषित उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी ज्योतिषाचार्यों से संपर्क कर नामांकन का शुभ मुहूर्त निकलवाने में व्यस्त है। राशि और जन्म पत्री के आधार पर वो नामांकन का शुभ दिन और समय तय किए जा रहे हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित बंशीलाल शास्त्री बताते हैं कि किसी भी मुहूर्त या किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले शुभ मुहूर्त देखने की मान्यता रही है। शुभ मुहूर्त में शुरू किया गया काम सिद्ध होता है, इसलिए नेता नामांकन से पहले अपनी जन्म पत्री या राशि के आधार पर शुभ मुहूर्त का पता करते हैं। ज्योतिष का अभिन्न अंग होता है मुहूर्त, और आप मान करके चले सभी राजनेता ही नहीं, जन सामान्य एक सामान्य पुरुष भी छोटे से छोटा कार्य करता है तो शुभ मुहूर्त देखकर ही वो अपने कार्य को प्रारंभ करता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में मुहूर्त का विशेष महत्व माना गया है। प्रत्याशियों की इस भागदौड़ से ज्योतिषियों के यहाँ इन दिनों खासी भीड़भाड़ देखी जा रही है। ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक सभी 12 राशियों के मुताबिक नामांकन के लिए शुभ दिन भी तय कर दिए गए हैं, जिसके अनुसार 1 नवम्बर इस दिन अमृत योग सर्वार्थ सिद्धि नामक बेहद शुभ योग बन रहा है। ये दिन मेष वृष कर्क सिंह कन्या वृश्चिक धनु मकर मीन राशि वाले नेताओं के लिए शुभ रहेगा। कुमार योग नामक शुभ योग भी रहेगा। इस दिन मेष वृष मिथुन सिंह कन्या तुल धनु मकर कुंभ राशि के लिए शुभ योग बन रहा है। 2 नवम्बर शिव योग सिद्धि योग बन रहा है। ये दिन मेष वृष मिथुन सिंह कन्या तुला धनु मकर कुंभ राशि के नेताओं के लिए शुभ रहेगा। 3 नवंबर योग और कुमार नाम के शुभ योग रहेंगे। ये दिन मेष वृष मिथुन सिंह कन्या तुला धनु मकर कुंभ राशि के नेताओं के लिए शुभ रहेगा। 4 नवंबर पुष्य नक्षत्र का योग है, जो नक्षत्रों का राजा है। ये दिन वृष मिथुन कन्या तुला वृश्चिक मकर कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बेहद अहम है। 5 नवंबर सर्वार्थ सिद्धि योग चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा। ये दिन वृष मिथुन कन्या तुला वृश्चिक मकर कुंभ मीन राशि के नेताओं के लिए शुभ है। 6 नवंबर दोपहर 1:22 तक वक्त वृष मिथुन कर्क कन्या तुला वृश्चिक मकर कुंभ मीन राशि के लिए उत्तम है। वहीं दोपहर 1:22 के बाद का समय मेष मिथुन कर्क तुला वृश्चिक धनु कुंभ मीन राशि के लिए शुभ है। नामांकन भरने से पहले प्रत्याशी मुहूर्त देखने के साथ ही नक्षत्र आदि के गुण अवगुण को लेकर भी ज्योतिषियों से सलाह ले रहे हैं। भले ही पार्टियों ने टिकट देने में मुहूर्त का ध्यान नहीं रखा हो, लेकिन टिकट मिलने के बाद प्रत्याशी राजनीति के क्षेत्र में हर कदम मुहूर्त के मुताबिक ही बढ़ा रहे हैं, जिसके पीछे प्रत्याशियों की अपनी दलीलें हैं। वो ये कि सनातन संस्कृति है, ऐसे में मुहूर्त के अनुसार ही जब हर काम किए जाते हैं तो नामांकन मुहूर्त के अनुसार क्यों न किया जाए। 3 तारीख को नामांकन भरेंगे। 1000 स्कूटर मोटरसाइकिलों के साथ हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। 10 बजे रवाना होंगे, 12:15 के पहले पहले नामांकन भरेंगे। कुल मिलाकर चुनावी मैदान के तमाम योद्धा जीत के लिए हर जुगत लगा रहे हैं। जनता को लुभाने के साथ साथ सही और शुभ वक्त देखकर ही हर कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि मेहनत के साथ साथ भाग्य भी जीत का समीकरण बनाने में पूरा साथ दे। अब वो इस समीकरण को साधने में कितना कामयाब होंगे, इसका खुलासा तो 3 दिसंबर को ही होगा। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।